नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट विद नारायण के साथ। तो हम हमेशा की तरह लेकर आए क्रिकेट के तीन बड़े न्यूज़। तो गाइज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नंबर वन गाइज, यश दयाल के पिता ने यश दयाल को 5 सिक्सेस लगने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। यश दयाल के पिता ने कहा कि ये कुछ मूवमेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स में, इवन अगर आप देखें तो लाइफ में भी आपको फेलियर्स आते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट आपको स्ट्रांग रहना है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद गुजरात टाइटन्स की पूरी टीम एक जगह जमा हो गई और यश दयाल को सेंटर में बिठाया और उसे कंसोल किया। बाद में उसके बाद नाच गाना हुआ, सब प्लेयर्स ने उसके साथ टाइम स्पेंड किया और उसके बाद मुझे यश ने कहा कि बॉल जो है वो मेरे हाथों से स्लिप हो रहा था, मुझे बिल्कुल भी प्रॉपर ग्रिप नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं यॉर्कर मिस कर रहा था। और उसने स्लोअर वन भी ट्राई किया बैक ऑफ द हैंड के लिए, लेकिन उस पे भी सिक्सेस लग गए। रिंकू ये उस दिन काफी जोर से शॉट्स लगा रहा था और देखे तो वो एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते भी है, जिसके चलते रिंकू के लिए और भी ज्यादा इजी हो गया और यश का वो दिन बिल्कुल भी नहीं था। बड़े बड़े क्रिकेटर इस फेज से जा चुके हैं। यश ये एक स्टूडेंट भी काफी ब्रिलियंट था, उसने 80%+ लाए हैं साइकोलॉजी में, लेकिन एज अ क्रिकेटर वो गॉड गिफ्टेड है। मैंने कभी भी उसको ये नहीं कहा कि तू क्रिकेट मत खेल, मैं बस उसे मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहता था। नंबर टू गाइज, वसीम जाफर ने केएल राहुल के आरसीबी के अगेंस्ट की इनिंग को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। वसीम जाफर ने कहा कि मैं काफी सरप्राइज था और केएल राहुल की इनिंग देखे तो काफी पेनफुल लगी, क्योंकि जब आप 213 रन चेस कर रहे हो और आप टीम के कैप्टन हो तो आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए और एनएचजी की बैटिंग लाइनअप देखे तो काफी अच्छी है, इसलिए केएल राहुल को अपने इंटेंट चेंज करना पड़ेगा। उसकी करंट टीम में कृणाल पांड्या का अभी तक बल्ला चला नहीं है और वैसे ही दीपक हुडा के साथ भी हुआ है, लेकिन अगर फिर भी आप देखें तो उनकी बैटिंग में काफी ज्यादा डेप्थ है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि केएल राहुल को कुछ पॉजिटिव इंटेंट दिखाना होगा, क्योंकि उनकी टीम के पास अच्छे बैकअप्स है और ऐसा नहीं है कि अगर केएल राहुल जल्दी आउट हो जाता है स्पीड पर रन बनाने में तो उनकी टीम रन नहीं बना पाएगी। और हमने इससे पहले देखा है कि केएल राहुल को ब्लेजिंग नॉक्स खेलते हुए, लेकिन कभी कभी फ्रेंचाइजी क्रिकेट में वो ज्यादा टाइम ले लेता है और उससे प्रेशर बढ़ जाता है नॉन स्ट्राइकर पर और जो प्लेयर डगआउट में बैठे उन पर, और केएल राहुल के वजह से बाकी बैट्समैन को अननेसेसरी रिस्क लेनी पड़ती है, इसलिए राहुल को अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी, उसको कुछ पॉजिटिव इंटेंट दिखाना होगा और अगर वो दिखा पाए तो एलएचजी और भी स्ट्रॉन्ग टीम नजर आएगी और उनके चांसेस बढ़ जाएंगे आईपीएल जीतने के, इसलिए मेरी तो यही एडवाइस है कि वो फ्रीली खेलना चाहिए। नंबर थ्री गाइज, रवि शास्त्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि विराट कोहली का एक सीजन में 973 रन वाला रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है। तब रवि शास्त्री ने कहा कि मेरे हिसाब से ये रिकॉर्ड तोड़ना डिफिकल्ट है, क्योंकि 900+ रन ये काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन एक बात है, ये रिकॉर्ड ओपनिंग बैट्समैन ही तोड़ सकता है क्योंकि उसे ज्यादा बॉल्स मिलते हैं खेलने के लिए। अगर आप इस साल के आईपीएल के पिचेस देखें तो काफी अच्छे विकेट्स हैं, इसलिए अगर कोई बैट्समैन 80-100 कंसेक्यूटिवली मारता रहा 2-3 इनिंग में तो फिर कुछ हो सकता है। रवि शास्त्री ने आगे कहा कि शुभमन गिल के पास वो मौका है रिकॉर्ड तोड़ने का, एक तो वो ओपनिंग बैट्समैन है और वो ऐसा बैट्समैन है जो फॉर्म में रहा तब वो लगातार रन बनाते चले जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि गिल के पास अच्छा मौका है, उसकी टेक्निक भी काफी सॉलिड है, वो स्पिन और फास्ट बॉलिंग दोनों अच्छा खेलता है। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।